देश में कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उपायुक्त सोलन केसी चमन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही शाम 6 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा उद्योग कार्य कर सकते हैं और उद्योग के कर्मचारियों के लिए उद्योगों का पास ही मान्य होगा। इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा कि बेवजह आने जाने वालों पर पुलिस उचित कार्यवाही करेगी। 7 तारीख 6 बजे से लेकर 17 तारीख सुबह 6 बजे तक पूरे ज़िले में कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसके लिए आदेश आज जारी किए गए हैं। इस दौरान लगभग सभी प्रकार की एक्टिविटी जो जैसे दुकान है, बाज़ार है, वो बंद रहेंगे, सिवाय राशन जो राशन मुख्यतः दूध, सब्जियां, फल, मीट, मछली और इत्यादि आदि की दुकानें, केमिस्ट और जो दूसरे हैं रिपेयर की शॉप है या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जो दुकानें हैं, पेस्टिसाइड्स है, ये खुली रहेगी। मंडियां भी सब्जी जो किसान अपनी मंडी प्रोड्यूस लाएगा वो खुली रहेगी और रहेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़िले में यथावत रहेगी, लेकिन उसकी मूवमेंट जो हमने ऑलरेडी आदेश जारी किए हैं उसके तहत रहेगी। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन का प्रोविज़न है और फुट मूवमेंट लगभग इसका उद्योग का 2 शिफ्टों में जो होगा सुबह 7 से लेकर 8:30 बजे और शाम को 7 से 8:30 बजे, और जो शिफ्ट का जो टर्नओवर मूवमेंट होगा जो ये होगा वो शिफ्ट के अनुसार रहेगा। जो इसकी पालना है कि जो बिना कारण बाज़ार में घूमता हुआ पाया गया या बिना किसी लॉयटरिंग पाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें DDM एक्ट के तहत और 188 का जो प्रोविज़न है IPC का उसके तहत कार्रवाई होगी, FIR रजिस्टर होगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतर किसान शहर में दूध बेचने आते हैं सवेरे, तो उनके लिए क्या रहेगा? जो सवेरे दूध बेचने किसान शहरों में आते हैं उनका जो सामान है जो अपना कैरिंग वैन है वो है, वो अलाउड है, उसको आके तुरंत वापस चले जाएँ। उनका जो डोर डिलीवरी मिल्क करते हैं, मिल्कमैन आते हैं, वो भी आ सकते हैं, किसी प्रकार की पास की ज़रूरत उनको नहीं होगी। उनका जो कैरिंग सिस्टम उनके पास है, चाहे वो दूध की बोतलें हैं, वापसी में खाली बोतलें हैं, वही उसका एक एविडेंस है कि वो जेन्युइन कार्य से बाहर निकले थे। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब TV। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्हां ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल TV दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई-पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।